एनिमल हस्बेंड्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एफएसओ की आंसर की। तो इसमें लगभग 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम हर एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, आर स्वामीनाथन समिति। क्वेश्चन नंबर दो है, इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर तीन, इसका आंसर होगा बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर चार है, इसका जो आंसर होगा वो होगा भोपाल सागर। क्वेश्चन नंबर पाँच में है, सम्मिलित करने हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर छः, इसका आंसर होगा दो, कमल शेखावत। क्वेश्चन नंबर सातवें का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर आठ है, उसका जो आंसर होगा वो होगा चार। क्वेश्चन नंबर नौ, इसका जो आंसर होगा वो होगा रूपनगढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर दसवां है, इसका आंसर होगा लौह अयस्क की खान। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर जो होगा वो होगा मदन कुदान झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर होगा हिंजला जिला अलवर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर होगा माइकल क्रेमर और अरिजित बनर्जी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर होगा संपर्क कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो आंसर होगा इसमें ए और बी दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका होगा ग्रेनाइट से। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें सम्मिलित कर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है राजस्थान हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीपति आर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 22 वह है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मेघ 21 विमान। क्वेश्चन नंबर 23 वह है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 24 वह है, इसका जो आंसर है हमारा वो होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर होगा हरियाणा और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26, इसका होगा जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा निष्ठा। दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा स्वर्ण और रजत उत्पाद। क्या? स्वर्ण और रजत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 22 जुलाई 2019 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सीमा सुरक्षा बल। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर होगा यशा सिंह।
क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 जनवरी 1986। क्वेश्चन नंबर 33वां है, इसका होगा ऑप्शन डी, जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34वां है, इसका जो आंसर होगा वो भी डी। क्वेश्चन नंबर 35वें का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा वी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका जो आंसर होगा वो भी हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उसका जो आंसर है वो होगा ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 41वां, इसका जो आंसर होगा वो होगा वी एनहाइड्रस। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा वी नाइट्रोसल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, इसका जो आंसर होगा वो होगा वी एस्परजिलस जाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जो आंसर होगा डी होगा क्लोस्टिडियम परफ्रेंजिस। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्यूमा वा कैलडाल विधि, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, जेल का उदाहरण है मक्खन। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें बेमेल को निकालना है, तो इसमें बेमेल जो होगा वो होगा हमारा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 50, इसका आंसर होगा सी 36। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा वी। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 52, इसका जो आंसर होगा वो होगा कैबेज यानी पत्ता गोभी, और 51 का जो आंसर होगा वो होगा वी एक खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वी। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर होगा हमारा वी। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर होगा वी यानी ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका आंसर होगा वी अल्फा एवं बीटा ऑक्सीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा वो होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी बायोटिन। क्वेश्चन नंबर 61, इसका जो आंसर होगा वो होगा वी विषाणु बायरॉइड्स और लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें सम्मिलित करना है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका भी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। 64 है, इसका होगा ऑप्शन 3, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा लोबिया रोहिता ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर
66 है, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा फैक्टर वार है, यानी ऑप्शन थर्ड। 67 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है 68, आमाशय का प्रोटीन लाई एंजाइम है तो इसका होगा पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 69, यदि वसा श्वसन सबस्ट्रे हो तो श्वसन गुणांक होता है, तो इसका होगा हमारा आंसर एक से कम, यानी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, यानी कैल्सीटोनिन। क्वेश्चन नंबर 71, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन पर अगर आपको लगे कि इसका आंसर ये नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा गाय। क्वेश्चन नंबर 73, इसका जो आंसर है वो होगा हमारा डी, जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा जैव उपचारण। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका होगा गिरनार टू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर है 80, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि वन वृक्ष पद्धति। दोस्तों क्वेश्चन 81, इसका आंसर होगा हमारा 160 से 165। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मेथी। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ओरोवंकी। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका जो आंसर है वो होगा अल्फांसो। क्वेश्चन 85, इसका आंसर है भीमा सुभ्रा। क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो आंसर है वो होगा टमाटर। क्वेश्चन 87 है, इसका होगा शरीर के भार का 10%। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका होगा पार्चमेंट पेपर। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका होगा पाश्चुरेला मल्टोसिडा। क्वेश्चन 90, इसका होगा 25:75। क्वेश्चन नंबर 91, इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर 92, इसका जो आंसर होगा वो होगा घी बनाने में। क्वेश्चन 93, इसका जो आंसर होगा हमारा 280 से 285 दिन। क्वेश्चन 94 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन 95 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 101, ऑप्शन डी। 96 का है 30 से 40%। 97 है, इसका आंसर होगा प्री बायोटिक। 98 है, इसका आंसर होगा 2006 व 2011। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ड्रेंचिंग निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 100, इसका होगा हमारा आर एनेमल। क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर होगा फिनोल्स का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 102, इसका जो आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 103, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा 20 से 30%। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसका जो आंसर आएगा हमारा वो होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 106,
इसका जो आंसर है वो होगा वर्सिंग। अब हम जीके के क्वेश्चनों पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा भीनमाल। क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें जो एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है, तो इसका जो आंसर होगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 109, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बालाथल सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर होगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 112 है, इसका आंसर होगा देशराज। क्वेश्चन नंबर 113, इसका जो आंसर होगा वो होगा रघुनाथ। क्वेश्चन 114 है, इसका जो आंसर होगा वो है अलवर। क्वेश्चन नंबर 115, कर्नल टॉड। क्वेश्चन नंबर 116, दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं मैं, इसमें जिसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका जो आंसर है एग्जैक्ट जो आंसर है वो होगा हमारा 1889, और यहाँ 1889 ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 117, इसका है बीकानेर के शार्दुल सिंह फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 119, इसका भी हमारा आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो 119 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर चार। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसका आंसर होगा मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 123, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1883। क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर होगा हड़बूजी। क्वेश्चन नंबर 125, इसका जो आंसर है वो होगा हमारा बीकानेर शैली। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसका जो आंसर है वो होगा हमारा वी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 127, इसका जो आंसर है वो होगा दौसा। क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर है हमारा सलेमाबाद। क्वेश्चन नंबर 129, इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा लालदासी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 130 का जो आंसर है, दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है, दोस्तों इसका आंसर होगा अंगुली में। क्वेश्चन नंबर 131, जो कुंभ स्वामी मंदिर है किसको समर्पित है, तो विष्णु भगवान को। क्वेश्चन नंबर 132, इसका जो आंसर होगा शिवदास। 133वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो होगा बैराट सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 134, इसका जो आंसर है वो होगा गुजर प्रतिहार कालीन। क्वेश्चन नंबर 135, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा मनरंग। जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 136, तो इसका आंसर होगा बरकी बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, दोस्तों इसमें सम्मिलित करना है रचना दे रखी है और साहित्य, रचनाकार और उनके साहित्य, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 139, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। क्वेश्चन नंबर 140, इसका जो आंसर है वो होगा हमारा तारागढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 141, इसका जो आंसर है वो होगा दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 142,
का आंसर होगा फोर्थ बी तथा फिफ्थ यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143 इसका आंसर होगा गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 144 इसका जो आंसर है वो होगा जालौर सिरोही जैसलमेर यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145 है इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। क्वेश्चन नंबर 146 इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। क्वेश्चन नंबर 147 है सम्मिलित करना है तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 148 राजस्थान की नवीनतम वन नीति तो इसका आंसर होगा 2010 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149 बनास नदी का उद्गम स्थल दोस्तों इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन वी। दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि इसका आंसर ये हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। बाकी कोई और समस्या हो तो उसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जो अगली वीडियो आएंगी उनका अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड।